हेलो दोस्तों, मैं हूं गुरदीप सिंह। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह जो क्वेश्चन है, यह फर्टिलाइज़र टॉपिक से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें लीचिंग नुकसान कम होता है? तो ऑप्शन ए है नीम लेपित यूरिया, ऑप्शन बी यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन सी प्रिल्ड यूरिया और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखो, ये जो तीनों उर्वरक है ना, नीम लेपित यूरिया, यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स और प्रिल्ड यूरिया, ये तीनों स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं। इन तीनों उर्वरकों में लीचिंग नुकसान कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया अमोनियम फास्फेट यानी ग्रोमोर में नाइट्रोजन फास्फोरस अनुपात होता है? तो ऑप्शन ए 14:14, ऑप्शन बी 18:18, ऑप्शन सी 20:20 और ऑप्शन डी 28:28। इसका सही आंसर होगा वो होगा 28:28। ये जो यूरिया अमोनियम फास्फेट है यानी ग्रोमोर है, इसमें जो नाइट्रोजन परसेंट है वो भी 28% होता है और फास्फोरस भी 28% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फेट उर्वरकों में किस उर्वरक का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए DAP, ऑप्शन बी SSP, ऑप्शन सी TSP और ऑप्शन डी रॉक फास्फेट। देखो, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट। फास्फेट उर्वरकों में सर्वाधिक प्रयोग सिंगल सुपर फास्फेट का किया जाता है। और यदि अपने ये पूछे कि उर्वरकों में सर्वाधिक प्रयोग किस उर्वरक का किया जाता है, तो उसका आंसर होगा यूरिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में जिंक प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 21% और ऑप्शन डी 24%। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21%। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में जिंक प्रतिशत कितना होता है? 21%। और यदि अपने ये पूछे कि जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में जिंक प्रतिशत कितना होता है, तो उसका आंसर होगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायो यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 36.8%, ऑप्शन सी 24.8%, ऑप्शन डी 30%। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 36.8%। थायो यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? 36.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसानों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किस उर्वरक का किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बामाइड, ऑप्शन बी गंधक लेपित यूरिया, ऑप्शन सी कैन यानी किसान खाद, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कार्बामाइड, क्योंकि यूरिया को ही कार्बामाइड कहा जाता है और यूरिया का भारतीय किसानों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1961। इसका सही आंसर होगा 1951। ये जो भारतीय उर्वरक निगम है, इसकी स्थापना 1951 में सिंदरी झारखंड में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा व प्रयोग करने का समय निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लीफ कलर चार्ट, ऑप्शन बी स्टेम कलर चार्ट, ऑप्शन सी रूट कलर चार्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा लीफ कलर चार्ट। लीफ कलर चार्ट का प्रयोग धान में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा व प्रयोग करने का समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक नमी ग्रहण करने वाला उर्वरक कौन सा है यानी सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैन यानी किसान खाद, ऑप्शन डी अमोनियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर होगा वो होगा अमोनियम नाइट्रेट। देखो, वैसे तो ये जो चारों उर्वरक है ये आर्द्रता ग्राही उर्वरक ही हैं, लेकिन इनमें फर्स्ट नंबर पर है वो है अमोनियम नाइट्रेट, सेकंड नंबर पर यूरिया, थर्ड नंबर पर अमोनियम सल्फेट और फोर्थ नंबर पर है कैन यानी किसान खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों में सर्वाधिक अम्लीयता किस उर्वरक में होती है यानी सर्वाधिक अम्लीय उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी एनहाइड्रस अमोनिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनहाइड्रस अमोनिया। देखो, वैसे तो ये चारों जो उर्वरक हैं ये अम्लीय उर्वरक ही हैं, लेकिन इनमें फर्स्ट नंबर पर है एनहाइड्रस अमोनिया, सेकंड नंबर पर है अमोनियम क्लोराइड, थर्ड नंबर पर है अमोनियम सल्फेट और फोर्थ नंबर पर है यूरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एनहाइड्रस अमोनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया से नाइट्रेट बनने की क्रिया में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 4 से 5 घंटे, ऑप्शन बी 1 से 2 दिन, ऑप्शन सी 4 से 7 दिन, ऑप्शन डी 10 से 12 दिन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 से 7 दिन। देखो, यूरिया से नाइट्रेट बनने की क्रिया में कितना समय लगता है? 4 से 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जल तथा साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन ए डाई कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी रॉक फास्फेट, ऑप्शन सी बेसिक स्लेग, ऑप्शन डी रेहनेमिया फास्फेट। इसका सही आंसर होगा रॉक फास्फेट। देखो, रॉक फास्फेट है, यह जल तथा साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील उर्वरक है, और ये जो बाकी तीनों उर्वरक हैं, डाई कैल्शियम फास्फेट, बेसिक स्लेग और रेहनेमिया फास्फेट, ये साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया हाइड्रोलाइसिस में बनने वाला प्रथम उत्पाद कौन सा है? ऑप्शन ए अमोनियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी अमोनियम कार्बामेट, ऑप्शन सी अमोनियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन डी अमोनियम फास्फेट। इसका सही आंसर होगा अमोनियम कार्बामेट। यूरिया हाइड्रोलाइसिस में बनने वाला प्रथम उत्पाद कौन सा है? अमोनियम कार्बामेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा में किस पोषक तत्व की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी बोरॉन। इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। देखो, जो वर्षा में मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो होती है लगभग 1 से 11% के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक फास्फेट में कैल्शियम प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 24%, ऑप्शन डी 10%। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 33%। रॉक फास्फेट में कैल्शियम प्रतिशत कितना होता है? 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बुझे हुए चूने को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रेटेड लाइम, ऑप्शन बी स्लैक्ड लाइम, ऑप्शन सी क्विक लाइम, ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही आंसर होगा क्विक लाइम। देखो, बिना बुझे हुए चूने को क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, और ये जो बाकी जो नाम है, हाइड्रेटेड लाइम, स्लैक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझे हुए चूने के अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेलिप्टस की राख में किस तत्व की अधिकता होती है? यानी जो सफेदा होता है, सफेदे की राख में किस तत्व की अधिकता होती है? ऑप्शन ए पोटाश, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही आंसर होगा पोटाश। देखो, जो यूकेलिप्टस की राख होती है, इसमें जो पोटाश की मात्रा होती है वो होती है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया में बायूरेट की सांद्रता प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2.5% से अधिक, ऑप्शन सी 1.5%, ऑप्शन डी 0.5% से कम। इसका सही आंसर होगा 0.5% से कम। और यदि अपने से ये पूछे कि नींबू वर्गीय फलों में पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया में बायूरेट की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, तो उसका आंसर होगा 0.25% से कम। और यदि अपने से ये पूछे कि उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार यूरिया में बायरेट की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, तो उसका आंसर होगा 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1.5% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्ट्रेट उर्वरक कौन सा है, यानी सरल उर्वरक कौन सा है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी DAP, ऑप्शन सी कैन, ऑप्शन डी NPK। इसका सही आंसर होगा यूरिया। जो यूरिया है वो स्ट्रेट उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनो अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन फास्फोरस प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 18:46, ऑप्शन बी 11:46, ऑप्शन सी 18:48, ऑप्शन डी 11:48। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 11:48, यानी मोनो अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन 11% और फास्फोरस 48% होता है।